मेरी फ्रेंड्स हम बालकनी में आ गए हैं, या आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे बड़े हो रहे हैं ना ये, और मज़ीद आ रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे भी हैं, ये देखिए। और देखिए मज़ीद फूल आ रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे मज़ीद फूल आ रहे हैं, बड़े अच्छे से ग्रो हो रहा है ये, देखिए ये भी है ना, ये देखिए यहाँ मज़ीद फूल आ रहा है, ये देखिए यहाँ मज़ीद फूल आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये आ, आ, ये देखिए ये नींबू आना शुरू हो गया है ना, तो बस इसको आपने आराम से यू नो बस देखभाल थोड़ी बहुत करनी होती है, ज़्यादा नहीं। आज मैं इसके अंदर एक्ट्री लेकर आई हूँ, मैं इसमें डालूँगी ऑर्गेनिक खाद जो होता है जी फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैं इसकी देखभाल किस तरह से करती हूँ, हर 15 दिन में इसकी थोड़ी सी मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ, अंडे का देखिए छिलके में ऐड करती हूँ कुकर पर छोड़ के, इससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है ना। और आप देख सकते हैं इससे ना ये थोड़ी ऑक्सीजन मिलती है ना, ये वेल ग्रो का ऑर्गेनिक है खाद ना फर्टिलाइजर, तो ये मैं ऐड करूँगी इसमें, ये बहुत अच्छा होता है, मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना होता बस थोड़ा थोड़ा डाल दो। मैं नीम के जो इसका ऑयल है ना, नीम मैंने दिया हुआ है, तो उससे भी मैं उसको छिड़कती रहती हूँ ताकि इसकी लीव्स जो है ना वो तो ग्रीन रहे ना, सर कीड़े अटैक करते हैं स्पेशली ना जो तो ग्रीन कलर की होती है ना लंबे से, तो क्या कहते हैं चुंडी कहते हैं क्या कहते हैं वो, मैं लगा रही हूँ पानी देते हैं, एंड्स भी इसके बहुत चलते हैं, तो एंड्स का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि खराब नहीं होना पौधे, और इसके भी हम यही करेंगे। मुझे अच्छे लगते हैं, तो चले हमने ये काम कर लिया।